नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा बिहार में। दोस्तों, मिथिला की राजधानी कही जाने वाली दरभंगा हमेशा से संघर्ष की भूमि रही है। जी हां, चाहे वह एयरपोर्ट के चालू करवाने की बात हो या बिहार का दूसरा प्रस्तावित एम्स की बात हो, दरभंगा की जनता ने हमेशा से एकजुटता दिखाती रही है और इसी का परिणाम निकला है कि अब दरभंगा में भी आईटी पार्क का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है और बाकायदा उसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि 2014 के आम चुनाव में जो वादा किया गया था कि दरभंगा में भी आईटी पार्क का निर्माण होगा और केंद्र में वर्तमान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने इस बाबत ट्वीट भी किया था, जो पिछले दिनों काफ़ी वायरल भी हो रहा था, जिसे यहाँ के लोगों ने एक मुहिम बनाया और अब असर साफ दिखने लगा है। जहाँ कुछ दिनों पहले तक खाली मैदान दिखता था, वहाँ पर अब निर्माण कार्य को शुरू किया जा रहा है और जो प्रस्तावित मॉडल है वह बाहर से कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो देखने में वाकई बदलते दरभंगा की तस्वीर है। आपको बता दें कि यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह एसटीपीआई पटना की ओर से जारी की गई है, जो कहीं ना कहीं दरभंगा वासियों की एक जीत ही है और उनकी मुहिम का ही असर दिख रहा है कि अब दरभंगा में वाकई में आईटी पार्क का निर्माण पूरा होने जा रहा है, जो दरभंगा वासियों का पुराना लंबित सपना रहा है। दरभंगा में आईटी पार्क के निर्माण से काफ़ी अपार संभावनाएं भी देखी जा रही है। बहरहाल, ये खबर आप देख रहे थे हमारा बिहार पर। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।